नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार, आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। दिल्ली में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है। डिजिटल इंडिया को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पता कर सकता था, पर जब जमाना ही पूरा डिजिटल हो रहा है तो हम भी थोड़ा डिजिटल हो लेते हैं। तकनीक का प्रयोग विकास की राह को आसान बनाता है, ये सच है। हालांकि विकास के साथ साथ और भी राहें आसान कर देता है, जैसे ललित मोदी भारत के पहले डिजिटल भगोड़े हैं। विदेश में समुद्र किनारे बैठकर सवाल उठाते हैं, आरोप लगाते हैं और फिर यहाँ हमारे देश में डिजिटल एसी वाले स्टूडियो में बैठकर प्रवक्ताओं को आरोप का जवाब देते देते पसीने निकल जाते हैं। सरकार के इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे कागजात अब हवा में सुरक्षित रहेंगे, आप कहीं से भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। पर यहीं से एक सवाल उठता है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस विषय पर बड़े बड़े लेख पढ़ने के बाद भी ये समझ नहीं आया मेरे विषय में, मान लीजिए कोई जानकारी है तो वो जानकारी गोपनीय कैसे रहेगी? जब सरकारी दस्तावेज लीक हो सकते हैं तो फिर मेरी चीज़ें कैसे सुरक्षित रहेंगी? आज की तारीख में जो भी कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से आपको डिटेल स्टोर करने की जगह देती हैं, जैसे आपका ईमेल, उनके दफ्तर विदेश में होते हैं, यानी आपके विषय में गोपनीय जानकारी इकट्ठा करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ऐसे आरोप पहले से भी लगते रहे। सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए कि यात्रा के दौरान आपको आपका सामान कहीं भी रखने की छूट मिल जाए पर उन सामानों की गारंटी लेने वाला कोई ना हो और बस वाला कहे कि हम तो आपको सुविधा देना चाह रहे हैं, आप सामान कहीं भी रख लीजिए, तो क्या आप ऐसे बस में सवारी करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योजना सही नहीं है, पर तैयारी को लेकर सवाल है। हमारे देश में 10 साल से लेकर 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें करीब 75% इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इंटरनेट का इस्तेमाल करते करते हर उम्र के लोग कब उपभोक्ता बन चुके हैं या कब उपभोक्ता से इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं या आपको पता भी नहीं चला। खाने पीने से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ डिजिटल। और एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लगभग 50,000 करोड़ की टैक्स चोरी इसी डिजिटल के चक्कर में हो रही है। उम्मीद करते हैं कि इसका भी कोई समाधान हो। वैसे डिजिटल होने का एक नतीजा ये भी देखिए कि आज जब सरकार इस योजना की शुरुआत कर रही थी उसी समय कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने साजिश के तहत विकिपीडिया में जवाहरलाल नेहरू के विषय में गलत जानकारी दिलवाई है, उन्हें मुसलमान साबित करने की साजिश हो रही है। बताइए, अगर कुछ लिख देने से ही किसी का धर्म परिवर्तन हो जाता है तो हम वाकई डिजिटल हो रहे हैं। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात करेंगे भक्त की राह पर भगवान की। आप सोच रहे हो कि हम धर्म और अध्यात्म से जुड़ा कोई प्रसंग आज आपको सुनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम राजनीति के भक्त और भगवान की बात करेंगे। चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए बात करते हैं। याद कीजिए, जीतन राम मांझी साहब जब मुख्यमंत्री थे लगातार कहा करते थे कि मेरे घर में भगवान की कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर। लेकिन जब नीतीश ने मांझी से सीएम पद छोड़ने को कहा तब से दोनों के बीच रिश्ते में तलखी जारी। अब भक्त यानी जीतन राम मांझी भगवान यानी नीतीश कुमार को हराने के लिए कुछ भी कहने की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को जब सीएम पद से हटाने की बात चल रही थी उस समय मांझी ने 10, 18 और 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाकर 34 बड़े फैसले लिए थे। उन फैसलों में आगे क्या हुआ, 10 फरवरी को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को यानी जो अगड़ी जाति होती हैं उनको सरकारी सेवा में आरक्षण देने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन, ये जीतन राम मांझी साहब का फैसला था। 18 फरवरी को उन्होंने क्या फैसला किया था कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक को साल में 13 महीने का हम वेतन देंगे और ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं आगे आपको बताएंगे। सरकारी सेवा में गजिस्टर्ड पदों को छोड़कर महिलाओं को 35% आरक्षण, होमगार्ड जवानों के दैनिक और यात्रा भत्ता में वृद्धि। 19 फरवरी को मांझी जी ने फैसला किया 25 लाख तक के ठेकों में बीसी यानी जो बैकवर्ड क्लास है ईबीसी और महिला को प्राथमिकता देने का फैसला प्रमुख था, यानी ये फैसले जीतन राम मांझी ने किए थे। 22 फरवरी को नीतीश कुमार मांझी की जगह बिहार के मुख्यमंत्री बने। सीएम बनने के 12 दिन बाद 4 मार्च को उन्होंने जीतन राम मांझी के कार्यकाल के अंतिम एक पखवाड़े में कैबिनेट की 3 बैठकों में जो फैसले हुए, 34 फैसले जो जीतन राम मांझी साहब के थे जिनकी चर्चा हमने अभी आपको बताई सुनाई, उन सभी फैसलों को नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया। उस समय 2 तरीके की चर्चा हुई। एक बात यह थी कि नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए वो पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से, यानी राजनीतिक रूप से जीतन राम मांझी से बदला लेने के लिए नीतीश कुमार ने मांझी के सारे फैसलों को रद्द कर दिए, एक बात यह कही गई। दूसरी बात यह कही गई कि मांझी के फैसलों में प्रक्रिया का ख्याल नहीं रखा गया, यानी मांझी के फैसले भी राजनीति से प्रेरित थे। कहा गया कि क्योंकि मांझी के पास अब समय नहीं था ज्यादा मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर, इसलिए उन्होंने कोई भी फैसला ले लिया, जल्दबाजी में फैसला लिया। लेकिन अब राजनीतिक मजबूरी कहिए या समय की जरूरत, ठीक 83 दिन बाद 27 मई को नीतीश कुमार ने मांझी कैबिनेट के कुछ फैसलों को अपने कैबिनेट में पास कराया। यहीं से सवाल शुरू हो रहे। इसके बाद फिर देखिए 30 जून को भी नीतीश कुमार के कैबिनेट में मांझी कैबिनेट में जो फैसले लिए गए थे उस पर मुहर लगाई।
सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि माझी कैबिनेट में लिए उन फैसलों की चर्चा जिस पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, उसके बाद फैक्ट्स पर आएंगे। 27 मई को नीतीश सरकार ने फैसला लिया। क्या फैसला लिया? कि राज्य में सिपाही से लेकर अवर निरीक्षकों को प्रतिवर्ष 13 माह का वेतन मिलेगा। माझी सरकार के इस फैसले को नीतीश सरकार ने समीक्षा के लिए वापस ले लिया था। चुनावी नफे नुकसान की पड़ताल के बाद अब इसे लागू करने का फैसला किया गया है। इस फैसले से 85,000 सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षक और अवर निरीक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इससे राज्य के खजाने पर सालाना 375 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यूपी, कर्नाटक और दिल्ली में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। आगे बढ़िए, एक और फैसला जो माझी ने लिया था, नीतीश जी ने रद्द किया, फिर से वो फैसला ले रहे हैं। राज्य में ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था फिर से लागू होगी। 15 लाख रुपए तक संबंधित अंचल स्तर पर हर साल कुल कार्यों का 50% कार्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए अब रिजर्व होगा। इसमें पिछड़े वर्ग की महिला संवेदकों को 3% आरक्षण का लाभ मिलेगा। माझी सरकार ने क्या किया था, 25 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक के टेंडर में आरक्षण देने का फैसला किया था। नीतीश जी ने क्या किया इसमें, कि जो 25 लाख 70 लाख था इसको नीतीश जी ने 15 लाख पर लाकर खड़ा कर दिया। पर जो मूल फैसला था कि मान लीजिए दलितों को या पिछड़ों को आरक्षण देना चाहिए ठेकेदारी में, वो नीतीश कुमार साहब भी उसको कायम रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, माझी कैबिनेट के एक और फैसले में संशोधन करते हुए पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति योजना के लिए स्कूलों में जो 75% अटेंडेंस अनिवार्य होती है, उसको क्या स्थिति हो गई अब उसकी देखिए। 2015-16 के लिए इसमें छूट दे दी गई। वर्तमान सत्र के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता नहीं है। बताना चाहेंगे आपको कि माझी सरकार ने भी 75% की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था, उसे 60% कर दिया था। नीतीश कुमार भी लगभग उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। माझी कैबिनेट ने संविदा पर बहाल शिक्षकों को वेतनमान देने और नियमित करने का फैसला लिया था, जिसे नीतीश सरकार ने पहले रद्द कर दिया और फिर देखिए क्या हुआ। शिक्षकों का दबाव कहिए या सियासी मजबूरी कहिए, नीतीश सरकार ने वेतनमान और नियमित करने का फैसला लिया, यानी शिक्षकों के हक में फैसला। आगे बढ़िए, माझी कैबिनेट में होमगार्ड जवानों को लेकर भी बड़े फैसले हुए थे, जिसे नीतीश कैबिनेट ने रद्द कर दिया था। नीतीश सरकार के फैसले के विरोध और माझी कैबिनेट के फैसले को लागू करवाने को लेकर राज्य के करीब 70,000 जवान, होमगार्ड जवान, करीब एक महीने तक हड़ताल पर रहे। बाद में क्या हुआ, नीतीश कैबिनेट में होमगार्ड जवानों का एक दिन का मानदेय 300 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। माझी कैबिनेट के फैसलों को पहले रद्द करने और फिर धीरे धीरे लागू करने पर जीतन राम मांझी के तेवर तल्ख हो गए हैं। वो अब नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं और डंकी की चोट पर कह रहे हैं कि हमारे फैसले को ही नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे। सुनिए, जो हम 34 निर्णय बिहार में के हित में मंत्रिमंडल में लिया था, आज एक एक करके उसको वो लागू कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने आरक्षियों के संदर्भ में जो हमारा निर्णय था 13 महीना का पे देंगे इंस्पेक्टर से लेकर के सिपाही तक, और उसको उन्होंने स्वीकार किया, एक कटिंग किया कि इंस्पेक्टर को उसमें छोड़ दिया। उसी प्रकार से होमगार्ड के बारे में हमने जो निर्णय लिया उस निर्णय को भी लगभग वो स्वीकार किए, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर जो शिक्षकगण थे या अनकॉन्ट्रैक्ट पर जो बहाल लोग थे उनके बारे में हम लोग नियमित करने का, वेतनमान देने का एक फैसला लिया था, उसके लिए कमेटी बनाने की बात की थी, उसको भी आज उन्होंने 100% स्वीकार किया और कमेटी बनाई है। और इसके बाद जैसे आपने देखा हमारी झगड़ा विशेष करके उस समय 2 पॉइंट पर हुई थी कि हम ठेकेदारी में गरीबों को आरक्षण देना चाहते थे, शिड्यूल कास्ट को, अति पिछड़ा को, पिछड़ा को, महिला को, और इसके में काफ़ी प्रतिरोध हुआ यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, लेकिन हम नहीं माने थे और हम निर्णय लिया था कि 25 लाख रुपया तक हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा, पिछड़ा और महिलाओं को आरक्षण देंगे। उस चीज़ को उस समय उन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन आज रद्द करने में तो शायद कोई लज्जा महसूस नहीं उन्होंने की, निर्लज्जता का उन्होंने परिचय दिया, और आज कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कल के निर्णय देखा आपने मंत्रिमंडल का,
अब क्या किए हैं कि हम 25 लाख तक दायरा किया था, वो 15 लाख बोलते हैं कि 15 लाख तक हम आरक्षित करेंगे। हमारा कहना है कि अमाउंट में आगे पीछे हो सकता है, वो आज कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। आज के संबंध में जो महंगाई है और उसके हिसाब से 15 लाख का कोई माने नहीं रहता है, कम से कम 25 लाख रहता तो अनएम्प्लॉयड जो शेड्यूल कास्ट के पुरुष स्त्री हैं, ट्राइब्स के पुरुष स्त्री हैं, अति पिछड़ा पिछड़ा के हैं या महिला लोग हैं, उन लोगों को जरूर एम्प्लॉयमेंट की बात होती तो लार्जर इंटरेस्ट में उनको 25 लाख करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने काट दिया। अब वो तस्वीर जो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है, आपको भी लग रहा होगा कि नीतीश उन फैसलों को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं जो जीतन राम मांझी ने लिए थे। क्या चुनाव के समय उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो भी लोक लुभावन तरीकों को अपनाएं, और पार्टी क्या सोचती है? यही सवाल जब हमने पूछा जेडीयू के प्रवक्ता से, आमतौर पर खुलकर बोलने वाले नीरज कुमार ने क्या कहा, सुनिए। मांझी के फैसले को नीतीश जी लागू तो जरूर कर रहे हैं, मांझी जी का कहना है। अभी ये सवाल तो अभी नहीं है, सवाल है कि कैबिनेट के जो मंत्रिपरिषद के जो फैसले हुए वह राज्य हित में है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी नजरिया तो पहले साफ करे इस पर। क्या बात, नीरज कुमार जेडीयू के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। खैर, मांझी नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि नीतीश मांझी कैबिनेट के फैसलों को थोड़ा हेरफेर कर या हूबहू क्यों अपना रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब लागू ही करना था तो रद्द क्यों किया गया, और इसके बाद अंतहीन राजनीति का दौर क्या इस चुनाव तक चलता रहेगा। एक छोटा सा विराम, लौटेंगे तो एक घपले की बात करेंगे, भ्रष्टाचार एक आम बात है लेकिन झारखंड की चर्चा फिर करेंगे, ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की पहचान यहाँ के खनिज संपदा और संस्कृति रही है, लेकिन हाल के दिनों में इस राज्य की पहचान सिर्फ घोटालों की वजह से हुई। कोयला, जमीन, नमक, खेल, सब कुछ में घोटाला। इस बार झारखंड में शौचालय घोटाला मामला आया। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 1998 से लेकर 2012 के बीच शौचालय निर्माण पर 253 करोड़ रुपए का घपला हुआ। देखिए, खुले में शौच से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए झारखंड के ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाने की तैयारी। शौचालय बनाने के लिए 1998 से 2012 के बीच 361 करोड़ रुपए जारी हुए, लेकिन इन पैसों से बने मात्र 30% शौचालय ही फिलहाल चालू हालत में है। एजी की रिपोर्ट के मुताबिक 253 करोड़ की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, लेकिन इस मामले पर विभागीय मंत्री खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे। बताएं 2012 में झारखंड की तत्कालीन सरकार ने 15 लाख घरों में शौचालय बनवाने की बात कही थी, लेकिन 2013-14 की ऑडिट रिपोर्ट में 10 लाख शौचालयों को सही नहीं पाया गया। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। जिस घोटाले की बात आ रही है तो कोई भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन अगर है तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को प्रसरे देती है और उन्हीं काले धनों से कहीं न कहीं वो चुनाव लड़ती है, और विगत चुनाव में जिस प्रकार से राशि खर्च की गई है इस प्रकार के शक्तियों को वो बल प्रदान कर रही है। मैंने कहा कि ये सरकार जब भ्रष्टाचार होती है तो वो नहीं देखती कि गरीब है कि अमीर है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार का कलंक है, और ये सरकार मैंने कहा कि सारी हदें पार कर चुकी है, ये मैं जरूर कर सकता हूँ। कोल स्कैम से लेकर नमक घोटाले के लिए बदनाम रहे झारखंड के माथे पर शौचालय घोटाले का भी दाग लग गया। अब देखना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। आइए अब आपको बताते हैं कि झारखंड के इस घोटाले का सच क्या है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरे मामले का खुलासा
कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं योजना की। वर्ष 1998-99 में केंद्र सरकार ने महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। इस दौरान शौचालय निर्माण के लिए 625 रुपए तय किए गए, जिसमें 500 रुपए सरकार वहन कर रही थी और 125 रुपए लाभुक को वहन करना था। इतने कम पैसे में पक्का शौचालय निर्माण संभव नहीं था। दो वर्ष बाद हुआ कि केंद्र सरकार ने राशि थोड़ी बढ़ा दी। पहले 2,250 रुपए हो गए, फिर 3,250 रुपए। 2012 में जब केंद्र में जयराम रमेश ग्रामीण विकास मंत्री बने तो इसे मनरेगा के साथ उन्होंने जोड़ दिया, 10,000 रुपए कर दिया इसे, जिसमें 4,600 पेयजल व स्वच्छता विभाग, 4,002 रुपए मनरेगा वहन करने लगा। इसमें 900 रुपया लाभुक को वहन करना था, यानी आपके पॉकेट से जाता। जिन दो रिपोर्ट और एक दस्तावेज से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, अब उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनगणना रिपोर्ट की। झारखंड सरकार ने अपनी रिपोर्ट में 46% ग्रामीण घर को शौचालय व्यवहार में बताया, लेकिन इसे झूठ साबित किया 2011 की जनगणना की रिपोर्ट ने। जनगणना रिपोर्ट में मात्र 9% को ही व्यवहार में बताया गया, जिसके बाद नए सिरे से योजना पर रिव्यू शुरू हुआ। अब बात एजी रिपोर्ट यानी महालेखाकार रिपोर्ट की। 1998 में झारखंड में कुल 51 लाख ग्रामीण घर को चिन्हित कर काम शुरू हुआ। 2012 तक झारखंड सरकार ने 15 लाख शौचालय निर्मित और व्यवहार की बात कही। भारत सरकार ने इसकी जांच कराई। 2013-14 में एजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस आंकड़े को गलत कहा, यानी सरकार ने जो आंकड़े दिए इस पर सवाल। अब बात दस्तावेज की कर लीजिए। वर्ष 2012 तक राज्य सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इसे सीधे एनजीओ के जरिए कराया था। इस दौरान भी भारी गड़बड़ी हुई। एनजीओ ने शौचालय निर्माण में सिर्फ खानापूर्ति कर दी, कहीं गड्ढा खोदकर छोड़ दिया तो कहीं दीवार खड़ी की, काम पूरा नहीं हुआ। और इस दौरान न तो कहीं निरीक्षण स्थल पर कोई पहुंचा, न इसका कुछ नतीजा हुआ, न कोई चेकिंग हुई। नतीजा बस एक ही निकला कि कागज पर शौचालय बना दिए गए और पैसे लूट लिए गए। अब इस तरह से लूटखंड के नाम से मशहूर हो चुका है झारखंड। शौचालय घोटाला भी देख लिया। इस तरह के दूसरे मामले भी झारखंड में देखने को मिलते रहे हैं, सियासत होती रही है। उम्मीद है कि इस मामले में कुछ कार्रवाई होगी। एक बहुत ही छोटा सा विराम लौट रहे हैं। बात ऑपरेशन मुस्कान की। बुधवार से उन बच्चों को तलाशने का अभियान शुरू हुआ जो लापता हैं। ये मुहिम पूरे एक महीने यानी 31 जुलाई तक चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर शुरू इस अभियान को ऑपरेशन मुस्कान का नाम दिया गया। बिहार में सीआईडी के कमजोर वर्ग को इस मुहिम की नोडल एजेंसी बनाई गई है। बिहार पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य में फिलहाल करीब 346 बच्चे लापता हैं। इस अभियान के दौरान उनको तलाशने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस अभियान की खास बात ये होगी कि इनफैक्ट खास बात क्या होगी ये बताते हैं। उससे पहले बयान। अभी 346 बच्चे और बचे हैं जिनको खोजकर उनके अभिभावक के पास, उनके गार्जियन पेरेंट्स के पास पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है। यह योजना गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है, जिसमें बिहार के में अपराध अनुसंधान विभाग कमजोर वर्ग के तत्वाधान में योजना चलाई जा रही है। इस अभियान की खास बात यह होगी कि इसके तहत सिर्फ बच्चों को ढूंढना ही नहीं बल्कि उनको कानूनी रूप से उनके अभिभावकों तक पहुंचाना भी होगा। अभियान में सभी जिलों के थानों को शामिल किया गया है। इस मुहिम में उन एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा जो बाल संरक्षण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर काम करते हैं। वर्ष 2014 में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 30,000 बच्चे गायब हैं, जिसमें से बिहार के 346 और झारखंड के 347 बच्चे शामिल हैं। पिछले साल गायब बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि राज्य सरकारों की निष्क्रियता से गुमशुदा बच्चों के माता पिता कष्ट भोग रहे हैं। लापता बच्चों को ढूंढकर उनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए देश भर में ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। 1 जनवरी 2015 से 31 जनवरी 2015 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया गया। बिहार में अभियान का नाम ऑपरेशन महावीर दिया गया था। जनवरी में चले इस अभियान में बिहार में पुलिस ने 86 लापता बच्चों को बरामद कर लिया। अब 1 जुलाई से 31 जुलाई तक देश भर में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलेगा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत उन बच्चों को भी मदद मुहैया कराई जाएगी जो बेघर हैं, जिन बच्चों को डरा धमका कर रखा जा रहा है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से रोग से ग्रसित हों,
उन बच्चों का जिनका कोई सहारा ना हो, जो अनाथ हो, सरकार उनको मदद करेगी। बिहार पुलिस अनैतिक काम में लगे बच्चों की मुक्ति के लिए भी अभियान चलाएगी। देह व्यापार की सूचना मिलने पर थाने में मामला दर्ज कर वरीय अधिकारियों से परामर्श कर धावा दल ऑपरेशन करेगा, जिसमें महिला कर्मी भी होंगी। अगर महिला पुलिस न हो तो मान्यता प्राप्त और सरकारी संगठन की 2 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। यानी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से ये है कि बच्चों को कोई समस्या ना हो। आज डी ने देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।